हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं संगम इलेक्ट्रॉनिक चैनल में। मैं आपको दोस्त ऐप के मेरे पास 21 इंच का सीआरटी टीवी आया है दोस्तों। यह टीवी एलजी कंपनी का है और इसमें का प्रॉब्लम है दोस्तों, जब पावर दे रहे हैं तो इसमें का इंटीग्रेटर लाइट जल रहा है लेकिन इसके स्क्रीन पर लाइट नहीं आ रहा है, यही प्रॉब्लम है इस टीवी का। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों को चालू करके दिखाता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, मैं पावर दे दिया हूं और यहां पर देखेंगे इसमें इंटीग्रेटर लाइट भी जल गए हैं लेकिन टीवी स्क्रीन पर कोई लाइट नहीं आ रहा है, यही प्रॉब्लम है इस टीवी का। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को रिपेयर करके दिखाऊंगा, उससे पहले इसके बॉडी को खोलकर दिखाता हूं। देख सकते हो दोस्तों, इस टीवी का मैं बॉडी को निकाल लिया हूं और इसमें जितना भी कनेक्टर लगा है उसे निकाल देंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके दिखाऊंगा इस टीवी में क्या प्रॉब्लम है और इसमें जो प्रॉब्लम आया है कहां से आया है उसको मैं दिखाऊंगा। देख सकते हो दोस्तों, इसमें का मैं सभी कनेक्टर को निकाल लिया हूं और इस पीसीबी को उल्टा करके चेक करेंगे सभी वोल्टा को। देख सकते हो दोस्तों, मैं पीसीबी को उल्टा पलट दिया हूं और इसमें सबसे पहले 110 डायोड में चेक करेंगे, 110 वोल्टा आना चाहिए। यह एलजी कंपनी का ओरिजिनल पीसीबी है, मैं पावर दे दिया हूं और यहां पर 110 डायोड लगा है, इसमें सबसे पहले चेक करेंगे 110 वोल्ट आना चाहिए। देख सकते हो दोस्तों, मल्टीमीटर को 110 वोल्ट आ रहा है, यानी कि इसमें का वोल्टेज ठीक है। तो यहाँ पर ESD को देखेंगे, देख सकते हो दोस्तों, ESD में भी 110 वोल्ट आ रहा है, यानी कि इसमें का 110 वोल्ट ठीक है। उसके बाद 10 से 12 वोल्ट चेक करेंगे जो स्टैंड बाई के लिए जाता है, मैंने इसे के लिए। देख सकते हो दोस्तों, इस वाला डायोड में कोई वोल्ट नहीं बता रहा है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है यहीं पर है। इस वाले डायोड में 10 से 12 वोल्ट नहीं बता रहा है, यानी कि स्टैंड बाई इस टीवी से रिलीज नहीं हो रहा है। अगर 10 और 12 वोल्ट बताता तो स्टैंड बाई से रिलीज होता तो हमारा टीवी ऑन हो जाता, लेकिन इसमें 10 वोल्ट नहीं बता रहा है, इस कारण से टीवी स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा है। तो हमें देखना होगा दोस्तों, यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक गया है। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को AC 200 वोल्ट रेंज में रख दिया हूं और इसमें चेक करेंगे वोल्ट आ रहा है कि नहीं। देख सकते हो दोस्तों, इसमें वोल्ट आ रहा है। उसके बाद यहां पर रजिस्टर लगा है, रजिस्टर से होकर सीधा डायोड में जाता है, तो इस रजिस्टर को देखना होगा इसमें कितना वोल्ट आ रहा है। देख सकते हो दोस्तों, रजिस्टर पर कोई वोल्ट नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पर रजिस्टर लगा है ओपन हो गया है, ख़राब हो गया है, इस कारण से इस डायोड में कोई वोल्ट नहीं जा रहा है, इस कारण से इसमें 10 से 12 वोल्ट नहीं बता रहा है, इस कारण से यहाँ टीवी स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा है। दोस्तों, स्टैंड बाई से रिलीज नहीं होने के कारण टीवी स्क्रीन पर कोई लाइट शो नहीं कर रहा है, ना ही वीडियो आ रहा है। तो हमें यहाँ पर रजिस्टर लगा है, इस वाले रजिस्टर को चेक करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को बजर मोड में रख दूंगा। देख सकते हो दोस्तों, मल्टीमीटर को बजर मोड में रख दिया हूं और इसमें पीप का भी साउंड आ गया है और यहां पर रजिस्टर लगा है उसे चेक करेंगे, इसमें पीप का साउंड आना चाहिए। यहां पर देख सकते हो दोस्तों, रजिस्टर को चेक करने पर पीप का साउंड नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें रजिस्टर लगा है यहाँ ओपन हो गया है, ख़राब हो गया है, इस कारण से पीप का साउंड नहीं आ रहा है, जबकि इसमें पीप का साउंड आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस वाले रजिस्टर को चेंज करके आप लोगों को दिखाऊंगा। चाहे तो आप लोग रजिस्टर के जगह में जंपर मार सकते हो दोस्तों, देख सकते हो इसमें पीप का साउंड नहीं आ रहा है। चलिए मैं सीधा करके आप लोगों को दिखाता हूँ
यह रजिस्टर कहाँ पर लगा है? मैं पीस भी को उल्टा कर लिया हूँ, यह एलजी कंपनी का ओरिजिनल पीस भी है। और यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर रजिस्टर लगा है, ये रजिस्टर ओपन या ख़राब हो जाने के कारण डायोड में वोल्ट नहीं जा रहा है, इस कारण से 10 या 12 वोल्ट नहीं मिलने के कारण टीवी स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वाले रजिस्टर को निकाल कर मैं दूसरे चेंज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं रजिस्टर को आप लोगों को निकाल कर दिखाता हूँ। यहाँ पर लगा है, इस वाले रजिस्टर को निकाल लूँगा, उसके बाद नया लगा लूँगा। देख सकते हो दोस्तों, मैं रजिस्टर को निकाल लिया हूँ। ये वाले रजिस्टर लगे थे, इसे मैं एक बार और चेक करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर में ध्यान देंगे, सुन सकते हो दोस्तों, बजर का साउंड आ गया। इसमें चेक करने पर बजर का साउंड नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ रजिस्टर ख़राब हो गया है या ओपन हो गया है। इसकी जगह मैं दूसरे लगा लूँगा। चाहे तो आप लोग जम्पर भी मार सकते हो, मैं इस वाले रजिस्टर को लगा लूँगा। सुन सकते हो दोस्तों, इसमें पिप का साउंड आ गया, यानी कि यहाँ रजिस्टर ठीक है। तो इसी को मैं आप लोगों को लगा कर दिखाता हूँ। इस रजिस्टर को लगा लूँगा, जैसे लगे थे वैसे सेम लगा देना है। देख सकते हो दोस्तों, मैं इस वाले रजिस्टर को लगा लिया हूँ और ऐसे उल्टा करके सोल्डिंग कर लूँगा। यहाँ पर लगा है, उसको मैं सोल्डिंग करके दिखा रहा हूँ। मैं इसे अच्छे से सोल्डिंग कर लेता हूँ, एक दूसरे से नहीं जुड़ना चाहिए, सफाई से सोल्डिंग कर लेना है। देख सकते हैं दोस्तों, इसे मैं अच्छे से सोल्डिंग कर लिया हूँ। और एक बार मैं आप लोगों को चालू करके उल्टा चेक करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, इस रजिस्टर को मैं अच्छे से लगा लिया हूँ और इस वाले डायोड में 10 से 12 वोल्ट आना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मल्टीमीटर को 10 वोल्ट आ गया, 10.5 आ रहा है, यानी कि इसमें वोल्टेज सही हो गया है। तो हमारा यहाँ सेट चालू हो जाना चाहिए। चलिए मैं टीवी स्क्रीन को दिखाता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, टीवी स्क्रीन पर लाइट आ गया है, नीला नीला आ रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को वीडियो चलाकर दिखाता हूँ, इसी प्रकार आप लोगों को रिपेयर करना है। देख सकते हो दोस्तों, इस टीवी का मैं सभी कनेक्टर को लगा लिया हूँ, एक बार मैं आप लोगों को वीडियो चलाकर दिखाऊंगा। पावर को ऑन कर लिया हूँ और टीवी स्क्रीन को देखेंगे, देख सकते हो टीवी में लाइट आ गया है। इस रिमोट से ये भी करके दिखाता हूँ, देख सकते हो दोस्तों, ए वी में करने के बाद वीडियो बहुत अच्छे से चल रहा है। इसी प्रकार आप लोगों को रिपेयर करना है, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार हम लोग छोटे छोटे फॉल्ट का वीडियो लाते रहते हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर किया करो, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बनता है।